रम पम पम रम पम पम रम पम 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 पम। वैसे मेरे गुनगुनाने से आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ और किसका घर दिखाने वाली हूँ। जी हाँ, उनके कोई परिचय की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन आपको फिर भी बता देती हूँ, मैं अभी खड़ी हूँ अनिल कपूर जी के घर के बाहर, जो कि आप देख सकते हैं उनका ये आलीशान बंगलो। जी हाँ दोस्तों, जो कोई मुंबई के हैं उन्हें तो पता ही है सेलिब्रिटीज़ के घर कहाँ हैं, और कई लोग ऐसे भी हैं कि मुंबई में रहने के बाद भी उनको घर के बारे में नहीं पता है सेलिब्रिटीज़ के घर कहाँ पे हैं कहाँ नहीं हैं। दिखाने और बताने वाले हैं सेलिब्रिटीज़ के घर। तो गाइस फाइनली हम जुहू पहुंच गए हैं और मैं बाहर खड़ी हूँ एकता कपूर और तुषार कपूर जी के घर के बाहर। तो आप देख सकते हैं उनके घर का नाम है कृष्णा और ये बालाजी टेलीफिल्म्स के ओनर है जिनका अंधेरी में ऑफिस है, उसका भी हम एड्रेस आपको बताएंगे, वहाँ भी आपको लेके चलेंगे। अभी मैं एकता कपूर जी के घर के आगे आ रही हूँ और आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं खड़ी हूँ गुरु शीश के बाहर, जहाँ पर हमारे अभिनेता अनुपम खेर जी रहते हैं। जस्ट ऑपोजिट में ये सोनाली बेंद्रे जी का घर है, जिनको आप जानते होंगे, जो काफ़ी अच्छी एक्ट्रेस रह चुकी है अपने टाइम पे। ये जस्ट ऑपोजिट में उनका घर है और वो जस्ट अभी निकल कर गई है यहाँ से, बस हम लोग का कैमरा ऑफ था उस टाइम पे, नहीं तो हम आपको दिखा देते। चलते चलते हम पहुँचे हैं दूसरी डेस्टिनी में, जहाँ पर आप पीछे देख सकते हैं रामायणा लिखा हुआ है। ये बिल्डिंग है सोनाक्षी सिन्हा की, शत्रुघ्न सिन्हा की और उनके बेटे लव सिन्हा की। तो यहाँ पर वो तीनों लोग साथ में रहते हैं, अपनी फैमिली के साथ में रहते हैं। सोनाक्षी सिन्हा जिन्हें आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, शत्रुघ्न सिन्हा उन्हें भी काफ़ी अच्छी तरीके से जानते हैं, उनके कोई परिचय देने की तो ज़रूरत है नहीं। तो बस मैंने सोचा कि चलो अब यहाँ आए हैं जुहू में, तो आपको कुछ ना कुछ अलग अलग एक्टर्स के घर को दिखा देना चाहिए, जो सभी को ऐसा लगता है कि हाँ यार उनका घर किधर होगा, वो फेमस एक्टर का घर किधर होगा। तो अभी तक हमने जितने भी एक्टर्स को कवर किया है आपने देखा ही होगा, तो ये उनका रहा सोनाक्षी सिन्हा जी का घर। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने दूसरे सुपरस्टार का घर देखने के लिए। आर यू रेडी? तो कम विद मी। तो अभी हम पहुंचे हैं यशराज फिल्म डायरेक्टर के घर, जो कि है आदित्य चोपड़ा और उदय चोपड़ा जी सब यहीं पर रहते हैं, और हाँ रानी मुखर्जी भी यहीं पर रहती हैं। आप देख सकते हैं उनका लोगो भी ये रहा, यशराज फिल्म का लोगो ये रहा, आप देख सकते हैं। गाइस आपने देखा रानी मुखर्जी जी का घर, अब हम आगे चलते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनी में, जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा किसका घर, दृश्यम 2 के सुपर डुपर स्टार अजय देवगन का। जी हाँ, चलिए आप रेडी है देखने के लिए, आ जाइए। तो अभी आप देख सकते हैं मैं खड़ी हूँ अजय देवगन के घर के बाहर, जहाँ पे अभी वो अंडर कंस्ट्रक्शन में है, अभी बन रहा है उनका घर, वो थोड़े टाइम बाद ये घर अभी बन जाएगा, उसके बाद में वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। फ़िलहाल तो वो किधर और रहते हैं, तो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है, सीधी सी बात है कि अंडर कंस्ट्रक्शन में कैसे रह सकते हैं। तो उसके बाद जब ये तैयार हो जाएगा बनके, तो यहाँ पे वो शिफ्ट हो जाएंगे। ये है धर्मेंद्र जी का घर, जो कि पुराने ज़माने के बहुत ही सुपर डुपर स्टार धर्मेंद्र जी। तो दोस्तों आपने अभी तक इतने सारे स्टार के घर देखे, आप ये सोच रहे होंगे कि सारे स्टार एक ही जगह कैसे रहते हैं, तो मैं आपको बता दूं मुंबई की पॉपुलेशन तो कितनी ज़्यादा है सभी को पता है, लेकिन यहाँ एक जुहू एरिया है जहाँ पे बहुत ही शांति का माहौल रहता है, एकदम डिसेंट लोग रहते हैं। हालांकि हर जगह ही डिसेंट लोग रहते हैं, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत अच्छी ग्रीनरी आप देख सकते हैं इधर आसपास, और बहुत ही शांत माहौल है। तो जुहू मतलब यहाँ पे सारे एक्टर्स रहते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट अपने सुपरस्टार के घर की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अभी कौन से स्टार बाकी रह गए, और चलते चलते मुझे जो भी स्टार के घर दिखेंगे मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। लेकिन यार सुबह से लगी हुई हो, एकदम से भूख लग रही है, हमारे कैमरामैन भी थक गए होंगे, क्या कैमरामैन सच बोल रहे हो ना, तो वो भी थक गए, चलो कुछ खा पी ले फिर उसके बाद में कंटिन्यू करते हैं। तब तक आप बने रहिए फ्लाइंग स्टार पे, और फ्लाइंग स्टार को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें, और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी नहीं भूलें। इस फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं इस सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी के घर, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ से, क्योंकि
क्योंकि हम लोग उधर जाके नहीं वीडियो बना सकते हो क्योंकि बहुत टाइट सिक्योरिटी है, हम लोग को वीडियो बनाने का अलाउ नहीं है उधर। फिर भी हम आपके लिए इतनी मेहनत कर सकते हैं, यहाँ पे खड़े होके आपको हम दिखा सकते हैं उनका जलसा जो कि आप देख सकते हैं वो साइड में। गाइस ये जुहू बीच के जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पे है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और अमिताभ बच्चन जी अपनी अपनी फैमिली के साथ यहाँ रहते हैं, जया बच्चन जी और अभिषेक बच्चन ऐश्वर्या राय के साथ यहाँ रहते हैं। एक मेरा दिल धड़के वो गाना मुझे नहीं आता, वो हूर नहीं कोई कॉलेज की लड़की है। तो अभी हमारे ब्लॉग का ये आज का लास्ट वीडियो है गाइज, तो प्लीज़ डू लाइक फॉलो सपोर्ट एंड शेयर ऑल्सो सब्सक्राइब इट।